विश्व गोरैया दिवस पर अभिव्यक्ति विचार मंच द्वारा संभाग स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। मंच अध्यक्ष प्रफुल्ल शुक्ला एवं सचिव श्रीमती प्रीति जायसवाल ने बताया कि प्रतियोगिता संयोजक अरविंद कुमार पाठक के मार्गदर्शन में प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। गोरैया पर केंद्रित काव्य लेखन में नागदा की उपासना सिंह प्रथम, सुंदरलाल जोशी सूरज द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर उज्जैन की निधि ठाकुर को चुना गया। साथ ही विशेष प्रोत्साहन काव्य रचना पुरस्कार के लिए सुनील लीलानी, श्रीमती दीप्ति अनुराग पोद्दार, दिनेश तिवारी उपवन बड़नगर, अभयवेद अभय बड़नगर, सुश्री संजना पोरवाल, दिशा खंडेलवाल, सुग्रीव गोरखपुरी, पिंकी पोरवाल, नीलेश ओरा, बीएल परमार, आनंदीलाल सोनी, अर्पिता पाटीदार बड़ागांव खाचरोद, आदित्य श्रीवास्तव उज्जैन, पुखराज जैन पथिक, श्रीमती राजकुमारी परमार, कृष्णा निषाद और रामचंद्र परमार शाजापुर का चयन किया गया है। श्री शुक्ला और श्रीमती जायसवाल ने बताया कि गोरैया पर केंद्रित जीवंत चित्र प्रतियोगिता में उज्जैन की आराधना श्रीवास्तव, नागदा के पुखराज पथिक, अनुराग गुप्ता और कोमल गंगवाल के चित्र को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं जीवंत वीडियो संकलन में नागदा के सुनील गुप्ता और श्रीमती पिंकी पोरवाल के गोरैया केंद्रित वीडियो का चयन पुरस्कार के लिए किया गया। विजेताओं को शीघ्र ही मंच द्वारा आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस है और छोटी चिड़िया जो एक समय में पूरी तरह से विलुप्त तो होने की स्थिति में आ गई थी, इसीलिए विश्व गोरैया दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, ताकि जो विलुप्त तो होती चिड़िया है इसको जागरूकता के माध्यम से बचाया जा सके। पिछले दिनों हमारे अभिव्यक्ति विचार मंच के अरविंद पाठक जी है जो विगत कई वर्षों से गोरैया चिड़ियों को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं अपने काव्य के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से। उन्होंने एक मीटिंग के दौरान बताया कि हमें गोरैया को लेकर जागरूकता हमारे समाज में और हमारे शहर में हमको कोशिश करना चाहिए। तो सभी ने निर्णय लिया कि काव्य चित्र और वीडियो के माध्यम से हम ये प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई कौन कौन लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। और जब ये सब चीज़ें मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब सब लोगों के बीच पहुँचेगी तो और जागरूकता आएगी और ये छोटी चिड़िया जो गोरैया है इसको बचाने के लिए सभी लोग प्रयास करेंगे। और पिछले समय से देखा गया है कि जो एक समय विलुप्त तो हो चुकी थी, अब धीरे धीरे चिड़िया दिखना प्रारंभ हो गई और हमारे पास, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और वास्तव में देखा है कि इस विषय पर दर्जनों कविताएँ आई है, सैकड़ों फोटो आए हैं और इतनी संख्या में वीडियोस भी आए जो लोगों ने अपने घरों पर, किसी के पंखे पर चिड़िया ने घोंसला बना रखा था, किसी के बाहर पौधे में बना रखा था, पर लोगों ने उनके लिए दाने की पानी की व्यवस्था कर रखी थी। तो अब एक बार फिर हम इस माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब इस प्रकार के जागरूक लोग हैं तो बाकी लोग भी और प्रयास करें ताकि ये चिड़ियाओं को अनुकूल वातावरण मिले और वो अपना, वो जो विलुप्त हो रही है उससे होकर एक सामान्य रूप से जो पहले एक समय में होती थी उसी हिसाब से वापस हमारे बीच में रहे और चहचहाती रहे। मैं अरविंद पाठक जी और उन तमाम काव्य लेखकों का और चित्र भेजने वालों का, वीडियो भेजने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे एक छोटे से निवेदन पर उन्होंने अपनी कविताएँ भी भेजी, वीडियो भी भेजी और फोटो भी भेजे। और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी धन्यवाद देता हूँ कि इस कवरेज के माध्यम से पूरे शहर में वो एक मैसेज देंगे कि इन चिड़ियाओं को बचाएं। हाल आने वाले दिनों में गर्मी या बढ़ने वाली है तो मैं अभिव्यक्ति विचार मंच और अपनी ओर से आपसे निवेदन करूँगा कि अपने घरों की छतों पर कुछ पानी के पात्र ये लगाएं ताकि इन छोटे पक्षियों को पानी मिल सके, कुछ दाना मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।